हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूँ कोलकाता लवबर्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज वो येलो साइड ऑफ पाइनएप्पल का जो मैंने चिक्स दिखाया था आपको, दो चिक्स निकला था, उसने तो चार एग ले किया था, तो बाकी एक से चिक्स निकला है कि नहीं। और वो जो चिक्स हम लोगों ने देखा था उनको थोड़ा देखेंगे कितना बड़ा हुआ, उनका हेल्थ कैसा है। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए भी बना लूँ फ्रेंड्स। और उसका बगल में जो कॉलोनी था, वो कॉलोनी का भी शायद एक पेयर का प्रोग्रेस आ गया फ्रेंड्स। तो उस मटकी को भी मैं अभी चेक करूंगा, तो आपके साथ में शेयर करूंगा उनका प्रोग्रेस कुछ आया कि नहीं। और एक बात फ्रेंड्स, देखिए अभी तो काफ़ी मौसम मतलब ख़राब चल रहा है, खास करके हम लोगों के लिए भी तो है ही, और बाढ़ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है अभी का जो वेदर है। तो इस टाइम पे आप एक काम जरूर कीजिएगा, बाहर का जो ठंड हवा है वो मतलब वो हवा को पहले आप रोकना पड़ेगा, मतलब खिड़की आप पूरा बंद कर दीजिए, थोड़ा बहुत जो वेंटिलेशन के लिए चाहिए होगा उसे बस खुला रखिए, बाकी सारा खिड़की को आप बंद कर दीजिए, ताकि बाहर का जो ठंड हवा है किसी भी तरह से आपका किसी भी बार्ड्स को या चिक्स को ना लग पाए। और मैं दो दिन से तुलसी पत्ता जो होता है कुदरती एंटीबायोटिक, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब हर एक पेयर को तीन या चार करके पत्ता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि वह एंटीबायोटिक का काम करता है। तो तीन से चार पत्ता आप एक एक पेयर को दे सकते हैं। और थोड़ा पानी में मैं अभी सुबह जो पानी देता हूँ, पानी में थोड़ा गर्म पानी मिला के और उसके साथ थोड़ा शहद मतलब हनी वो भी थोड़ा मिक्स करके हर एक बॉक्स को दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मेरा तो हर एक बॉक्स में कुछ ना कुछ चिक्स आ गया है। तो अभी इसके लिए मतलब ये सब केयर मुझे करना पड़ रहा है। शहद अब जब देंगे हनी पानी के साथ, थोड़ा गर्म पानी के साथ देंगे, वो अंदर से हीट पैदा करता है बार्स को। और अभी मैं क्या किया, ब्लैक सीड थोड़ा मिक्स कर दिया हूँ, मतलब ज़्यादा करके, क्योंकि तो ब्लैक सीड से भी एक्स्ट्रा हीट पैदा होता है बार्स का शरीर में, तो इसलिए मैं ये सब अभी केयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो देखते हैं इस तरह से अगर आप भी केयर करेंगे शायद आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अभी। और फ्रेंड्स देखिए, फिंच को जो मैं दिखाया था आपको, ये फिंच ने बास्केट को एक्सेप्ट कर लिया और इसने नेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। तो काफ़ी जल्दी ये अभी एक दे देगा फ्रेंड्स, इसका नेस्टिंग अभी चालू है और ब्रीडिंग के लिए मतलब एग लेइंग के लिए रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा खिड़की को अच्छी तरह से बाहर से अंदर से पूरा कवर कर दिया हूँ, और ये सब जो ये था एक ग्लास का जो ये है पूरा इसको कवर कर दिया हूँ। थोड़ा बहुत जो वेंटिलेशन का जरूरत होता है इधर से हो जा रहा है, तो डायरेक्ट कोई भी हवा बाहर का वो अंदर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, पूरा कवर कर दिया हूँ मैं। और एक्स्ट्रा जो बल्ब होता है 200 का, इसको भी मैं जला कर रखता हूँ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टेम्परेचर के लिए, क्योंकि बार्स के लिए टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ, खास करके ब्रीडिंग टाइम में टेम्परेचर अगर फ्लैक्चुएट करेगा, बार्स का हेल्थ तो खराब होने का चांस है, और आपका जो चिक्स है वा एग है वो भी ख़राब हो सकता है वह एक्सपायर कर सकता है। इसलिए टेम्परेचर को एक जगह पे मेंटेन करना वह एक जगह पे उसको पकड़ के रखना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको जो भी करना होगा वो आप कीजिएगा, ठीक है, टेम्परेचर किसी भी तरह से फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए। और अभी जो ऐसे पाइनएप्पल कुनू, ऐसे ब्लैक कैप कुनू तो सर फ्रेंड्स पिछले साल इसको ब्रीड करना चाहिए था, क्योंकि इसका एज हो गया था, लेकिन किसी कारण ये लोग ब्रीडिंग नहीं किया था, लेकिन अभी चांसेस हो गया है ब्रीडिंग का, मतलब उसका मूवमेंट देख कर जो मुझे पता चल रहा है ये लोग अभी ब्रीडिंग करेगा फिर। और इस पेयर का मेटिंग स्टार्ट हो गया है, ये दो चार दिन में मतलब एक लेकर देगा। और ये जो पेयर है ये भी फ्रेंड्स मेटिंग स्टार्ट हो गया है, इसका भी मतलब एक दे देगा। और ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी में आपको जो एक जो चार हाली देख रहा है, इसमें चारों पेयर ने एक दे दिया है, लेकिन इनका चिक साइज नहीं निकला होगा, लेकिन ये जो आपको मटकी देख रहा है जो लूटीन और जो फीमेल आपको दिख रहा है, इसका साइज चिक निकल गया है। तो ये मटकी को एक बार थोड़ा चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले पाइनएप्पल शुरू का जो चिक था उनको पहले देख लेते हैं, बाकी जो एक से चिक निकला है कि नहीं एक बार चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पेयर दोनों ही बाहर है, तो अभी चलिए देख लेते हैं क्या है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अच्छा ही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल तो ब्रीडिंग का भी अच्छा स्टार्ट हुआ है अभी तक, देखते हैं।
हाफ इंच, मतलब चारों चिक्स निकल गया फ्रेंड्स। आपको मैं दिखाना कोशिश करता हूँ, चारों चिक्स निकल गया और दो चिक तो काफ़ी बड़ा भी हो गया फ्रेंड्स। और बॉस का अंदर काफ़ी गीला हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा लकड़ी का गुड़ा दे देना पड़ेगा क्योंकि बाहर का मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है मैचिस को देख के जो लग रहा है अंदर काफ़ी ठंड हो रहा है वो गीला भाप के लिए से, तो थोड़ा लकड़ी का गुड़ा दे देना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो ख़त्म करके मैं थोड़ा लकड़ी का गुड़ा दे दूँगा, लेकिन अभी चिक्स को मैं बाहर करना नहीं चाहता हूँ इस वेदर में, देखता हूँ कैसे क्या करता हूँ। फिर देख लीजिए चार चिक्स जिसमें दो काफ़ी बड़ा हो गया, फिर इनको तो मैंने पहले देखा था और दो चिक भी निकल गया, चार एक दिया था चारों चिक निकल गया और चार को अच्छी तरह पाल भी रहा इसका। चलिए फिर काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस। और फ्रेंड्स अभी इस मच्छी को थोड़ा बाहर करके देखेंगे इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे जो लगता है फ्रेंड्स उसका चिक्स निकल गया है, एक फीमेल को देख लीजिए फीमेल बैठा हुआ है। चलिए थोड़ा उतार कर फिर आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स बाहर कर लिया इसको, हाँ फ्रेंड्स चिक्स तो निकल गया, पहले इसको बंद कर देते हैं। वाओ ग्रेट फ्रेंड, तीन चीज निकल गया फिर और काफ़ी अच्छा कलर भी आ रहा है। और मक्की को भी थोड़ा साफ करना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ करेंगे नहीं फिर, और इधर जब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो इसको भी साफ कर देंगे। तीन चीज काफ़ी बड़ा भी हो गया था, मैंने काफ़ी देर से देखा नहीं था एक्चुअली, कॉलोनी में क्या होता है इसे चेक करने से कभी डिस्टर्ब हो जाता है दूसरा बार, इसे मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि चिक्स निकल गया है, वहीं पर चेक करना था। तो ठीक है फ्रेंड्स आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।